नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 90 में से 67 यानी करीब 3/4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। टिकट देने से पहले पार्टी ने काफ़ी मंथन किया, कई मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट काट दिए और कई समीकरण साधे हैं, तब जाकर उम्मीदवारों के नाम तय हो सके। हम आपको बताते हैं कि टिकट बंटवारे में बीजेपी ने किन बातों का खास तौर से ध्यान रखा है। हरियाणा में बीजेपी की रणनीति काफ़ी सधी हुई मानी जा रही है। इसमें नए चेहरों पर जोर दिया है बीजेपी ने। युवाओं को भी टिकट बड़ी संख्या में पार्टी ने दिया है। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए भी कई विधायकों के टिकट काट दिए। साथ ही बीजेपी ने राज्य के जातिगत समीकरणों को भी टिकट बांटते वक्त साधा है। टिकट किस तरह से बांटा, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। 67 उम्मीदवारों में से 25 नए चेहरे हैं। 9 विधायकों के टिकट काट दिए, इनमें 3 मंत्री भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री समेत 4 विधायकों की सीटें बदल दी गई। दूसरी पार्टियों से आए 9 नेताओं को पार्टी ने टिकट दे दिया। नेताओं के रिश्तेदारों की बात करें तो 5 ऐसे लोगों को टिकट मिला है। कई युवाओं को भी पार्टी ने टिकट दिया है। 22 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम है। दीपक हुड्डा और मंजू हुड्डा जो सबसे युवा उम्मीदवार हैं 30 वर्ष के। और इसके साथ साथ बीजेपी ने जातिगत समीकरणों को भी हरियाणा में साधा है। 67 उम्मीदवार घोषित किए, इसमें किस जाति के कितने उम्मीदवार हैं, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ओबीसी वर्ग के सबसे अधिक 14 उम्मीदवारों को पार्टी ने मैदान में उतारा है। जाट समुदाय के 13, अनुसूचित जाति के भी 13 उम्मीदवारों को पार्टी ने जगह दी है। वहीं ब्राह्मण समुदाय से 9, पंजाबी से 8, वैश्य से 5, राजपूत से 2, बिश्नोई से 2 और 1 सिख समुदाय से पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची में जगह दी है। तो ये काफ़ी बारीकी से हम आपको विश्लेषण करके बताएंगे कि इसके पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है और क्या इस टिकट के सहारे बीजेपी 10 साल बाद फिर से एक बार सत्ता में वापसी कर सकती है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, बलवंत तक्षक जी वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही अमिताभ तिवारी राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अमिताभ जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगा। आपने बहुत ही दिलचस्प आंकड़े दिए हैं कि जो बीजेपी ने अपना कास्ट ब्रेकअप दिया है, और अगर हम हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों पर नज़र डालें तो वहाँ पर जो कास्ट का डोमिनेंट कास्ट है उसको बीजेपी ने किस तरह से एडजस्ट करने का प्रयास किया है। और इसके पीछे एक सबक ये भी है कि 2019 और 2024 के चुनाव की अगर बात करें तो जहाँ जहाँ पर भी जिस समुदाय में बीजेपी के वोट कम हो रहे थे वहाँ पर बीजेपी ने खासा जोर इस उम्मीदवारों की सूची के जरिए लगाया है। ये ग्राफिक्स मैं चाहूँगा कि एक बार आपको दिखा दें। अमिताभ जी, जी कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि देखिए, ज्यादातर तो चांसेस है कि जाट समाज का कंसोलिडेशन कांग्रेस के फेवर में होगा, क्योंकि 64% जाट समाज ने कांग्रेस पार्टी या इंडिया ब्लॉक को वोट किया 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब पॉकेट्स अगर आप देखेंगे तो रोहतक और हिसार जहां 40 सीटें हैं उसमें जाट समाज का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, लेकिन जो साउथ हरियाणा है, जो गुरुग्राम और फरीदाबाद है, तो गुरुग्राम में अहिर समाज का इन्फ्लुएंस है, फरीदाबाद में गुज्जर समाज का इन्फ्लुएंस है, और जो नॉर्थ ईस्ट है, जो नॉर्थ है, अंबाला में कहीं ना कहीं अरोरा खत्री समाज का इन्फ्लुएंस है। तो इसके हिसाब से टिकट का वितरण है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कांग्रेस खुद भी इस कॉन्टेस्ट को जाट वर्सेस नॉन जाट नहीं करना चाह रही, तभी उसने सीएम कैंडिडेट नहीं अनाउंस किया है, क्योंकि इससे नुकसान होता है। जब भी कोई डोमिनेंट जाति होती है उसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा करना उतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि एक डिसकंटेंट होता है। अब जाट, दलित और मुस्लिम समाज का कॉम्बिनेशन कांग्रेस पार्टी बनाने की कोशिश में है, ये 50% है लगभग आबादी के। वहीं ओबीसी और जनरल कैटेगरी लगभग 50% है, तो दोनों ही धड़ों में 50-50% लगभग है। दलित समाज का वोट 30% के लगभग पड़ा था बीजेपी को 2019 के विधानसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में कम पड़ा है, क्योंकि एक नैरेटिव जो चल गया था कॉन्स्टिट्यूशन का कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन
चेंज कर देगी भाजपा अगर 400 सीटें आ जाए, लेकिन वो नैरेटिव अब एक तरह से धूमिल हो चुका है, वो नैरेटिव है नहीं अब। तो दलित समाज के वोट बैंक में सेंध मारना, आपने बताया 13 टिकटें भी दी गई हैं, उसमें सेंध मारने की कोशिश रहेगी भाजपा की। और जो नॉन जाट, जो उसका कोर वोट है, अरोरा, खत्री समाज, ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, जो आप बता भी रहे हैं 5-5 टिकटें, और ओबीसी, इस पे फोकस है बीजेपी का, ताकि इन वोट्स को कंसोलिडेट किया जा सके। बलवंत जी, ये जो उम्मीदवारों की सूची है, इसका भी हमने जातिवार विश्लेषण किया है कि किस जाति के कितने उम्मीदवार बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारे हैं, और इसी तरह से 2019 में बीजेपी के जो 40 विधायक जीते थे उनमें किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व था। तो ये भी ये दिखाता है कि किस तरह से जिस जाति का बीजेपी को अधिक समर्थन मिला है उसको पार्टी ने टिकट देने में खासतौर से ध्यान रखा है। तो ये कितना फैक्टर रहेगा बीजेपी के लिए हरियाणा में, क्योंकि पार्टी कोशिश यही है कि 36 बिरादरियों को साथ में लाया जाए, और जिस तरह से पिछले 10 साल में बीजेपी ने गैर जाट को मुख्यमंत्री बना करके रखा, पहले पंजाबी को उसके बाद ओबीसी को, ये कितना बड़ा फैक्टर रहेगा बीजेपी के लिए इस चुनाव में। मैं अखिलेश जी आपको ये कहूंगा कि 9.5 साल खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और पहली बार कोई गैर जाट चीफ मिनिस्टर बना। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जाट और गैर जाट की राजनीति रही है, जाट बहुल स्टेट है हरियाणा, और लगातार जाट चीफ मिनिस्टर थे। बीजेपी ने कोई 2014 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा पेश नहीं किया था, कई दावेदार थे उस समय, लेकिन लोगों को लगता था कि मोदी साहब के साथ खट्टर साहब ने बहुत लंबा समय बिताया है जब वो सत्ता में नहीं थे, और उनके लिए एक सेफ सीट ढूंढी गई थी करनाल, वहां से वो चुनाव जीते और चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन 9.5 साल की जो रिपोर्ट थी केंद्र सरकार के पास वो यही थी कि खट्टर साहब के रहते हुए लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटें जीत पाना और विधानसभा में भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लेके आना मुश्किल है। ऐसी सूरत में एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी गुड़गांव आते हैं, खट्टर साहब के कामकाज की खूब तारीफ करते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं, और अगले दिन उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है सुबह, और शाम को नायब सिंह सैनी साहब, जो उन्हीं के कट्टर समर्थक है खट्टर साहब के, वो नायब सिंह सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनवाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहे। तो एक तो आप ये मान के चलिए कि 9.5 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास थी, और उनको लगा कि अगर मुख्यमंत्री के बदलने से पिछले वर्ग का कार्ड खेलने से भाजपा को कोई लाभ हो सकता है, तो नायब सिंह सैनी को कुर्सी दे दी गई। उनके पास, उन्होंने मेरे ख्याल से अभी 60 दिन हुए होंगे उनको राज करते हुए, इस दौरान उन्होंने खट्टर साहब के बहुत सारे फैसलों को बदल दिया, यानी कि खट्टर साहब ने जो पोर्टल की एक प्रणाली शुरू की थी और लोगों में नाराजगी को देखते हुए खट्टर साहब के खास समर्थक मुख्यमंत्री जो उनकी मेहरबानी से कुर्सी पर आए थे, उन्होंने पिछली सरकार के बहुत सारे फैसलों को बदल के और सरकार के प्रति जो नाराजगी का भाव था वो कम करने की कोशिश की। अखिलेश जी देखिए, हरियाणा में दो बड़ी जातियां हैं, जाट और अनुसूचित जाति के मतदाता। अगर शैलजा चीफ मिनिस्टर बनती दिखती हैं तो अनुसूचित जाति के मतदाता कांग्रेस को वोट देंगे, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनते दिखते हैं तो जाट समुदाय कांग्रेस को वोट देगा। और बलवंत जी की कांग्रेस ने अभी तक कोई नाम घोषित नहीं किया है, क्योंकि दोनों की उम्मीदें उन्होंने बरकरार रखी है। मैं हर्षवर्धन जी के पास जाना चाहूँगा। हर्षवर्धन जी, जिस तरह से बीजेपी में कल से जब से सीट का ये डिक्लेरेशन हुआ है विरोध हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसका आप पीछे क्या कारण मानते हैं? क्योंकि ये माना जा रहा है कांग्रेस तो कम से कम ये दावा करे कि वो सत्ता में आ रही है, तो ऐसे में जो पार्टी कांग्रेस के हिसाब से सत्ता से बाहर जा रही है उसके लिए टिकटों में इतनी मारामारी क्यों, क्या कारण है? अगले जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि टिकट जब भी बढ़ते हैं तो विरोध होना तय है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो कहती है ना कि सारे घर के बदल डालेंगे, तो जब इतने बदलेंगे तो कोई विधायक रहा है तो उसके 10-20-50-100 समर्थक तो ऐसे होंगे ही जो पार्टी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे जी। मूल बात यह है कि क्या जो टिकट बदले गए वो विनिंग कॉम्बो के साथ बदले गए। अब जो मैं भी जाति समीकरण के लिहाज से देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने 3 मोर्चों पर काम किया। एक तो ये कि जितने उनको लगता है कि जरा सा भी लगता है कि उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी है तो उसको तुरंत निकाल फेंका, और किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। ये मैं जितने भी चुनाव आज तक देख पाया हूं, हमेशा क्या होता है कि बहुत बड़ा मुद्दा हो जाए तो मुख्यमंत्री के खिलाफ होता है, नहीं तो विधायक से लोग नाराज होते हैं।
और इस फॉर्मूले को गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर हर जगह, यहां तक कि दिल्ली के एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी ने उसका लाभ लिया। दूसरा क्या है, जो जाति वाला समीकरण है उसको बहुत अच्छे से साधा है, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। हरियाणा में साफ साफ जाट कह रहे हैं कि बीजेपी को हमने लोकसभा चुनाव में औकात दिखा दिए। ये जाट एकदम बहुत चौड़े से कह रहा है, वो कह रहा है कह रहे इनको तो हमने इनके औकात दिखा दिए। अब ये जो चीज है, क्या वो गैर जाटों के ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करेगी? तो यहां पर जाटों में उनको वोट दिया गया जो उस सीट पर बेहद प्रभावी है। हालांकि दो टिकट मुझे नहीं समझ में आया कि सावित्री जिंदल और रणजीत चौटाला का टिकट क्यों भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया, ये थोड़ा सा समझ से बाहर है, क्योंकि ये दोनों सीटें लगभग वो मुझे लगता है कि शायद वो जीत लेते। लेकिन इसके अलावा जो टिकट दिए गए हैं, बहुत अच्छे से समीकरण देखा गया है, बहुत अच्छे से जिन परिवारों का प्रभाव हो उनको देखा गया है, और जो सबसे बड़ी बात है कि विनिंग कॉम्बो में ये बेहतर दिखते हैं। और यहां एक जरूरी कैच 22 समझिए, राहुल जी बड़ी अच्छी स्थिति में हैं, जाट और दलित दोनों दे देंगे, लेकिन राहुल जी के जात जात चिल्लाने से पहली बार हरियाणा का दलित कह रहा है कि मुख्यमंत्री तो दलित होना चाहिए, और अगर चुनाव तक इसे स्पष्ट नहीं किया तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाए, क्योंकि अगर ये मुश्किल खड़ी हुई तो आप सोचिए वहां मायावती भी पहुंच रही हैं, वहां चंद्रशेखर भी पहुंच रहे हैं, तो छोटे छोटे जो गठजोड़ हैं वो कहीं ऐसी मुश्किल न खड़ी कर दे जिसके बारे में शायद बहुत चर्चा हो ही नहीं रही। ठीक है अमिताभ जी, जो जाट फैक्टर है इस पर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि हर्षवर्धन जी ने भी इसका इशारा किया, लेकिन जो बीजेपी की सूची हमने देखी है, सबसे अधिक अगर पार्टी ने टिकट दिए तो जाटों को दिए, 13 उम्मीदवार बीजेपी के जाट हैं, तो ऐसे में बीजेपी जाट समुदाय को बड़ा संदेश भी दे रही है। ये बात जरूर है कि 2014-2019 की अगर तुलना करें, या 2019 विधानसभा से 2024 लोकसभा की तुलना करें, तो बीजेपी से थोड़ा जाट वोट छिटका है, गया है बीजेपी के हाथ से। लेकिन बीजेपी क्या इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतार करके इसे वापस लाना चाहती है? क्योंकि जो पिछली विधानसभा थी उसमें भी बीजेपी के जाट विधायकों की संख्या अच्छी खासी थी। देखिए 13 out of 67 है, मतलब लगभग 20% से ऊपर जाट समाज के लोगों को टिकट दिया गया है। देखिए जब आबादी 27% है तो इस समाज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इनके पास बड़े लीडर्स भी हैं, हर्षवर्धन जी ने बताया, कैप्टन अभिमन्यु लड़ रहे हैं नरौन से पिछली बार, हालांकि वो हार गए, तो एकदम नाराज नहीं कर सकते। और 100% किसी जाति का वोट तो पड़ता नहीं है एक पार्टी को। पिछली बार भी लगभग 30-35% सपोर्ट जाटों का बीजेपी को मिला था। 57 सीटें हैं जहां पर 10% से अधिक आबादी है जाट समाज की। अगर इसका आप ब्रेकअप देखेंगे तो जेजेपी, बीजेपी और कांग्रेस लगभग तीनों को बराबर सीटें मिली थी यहां पर। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए उसको आंकने की कोशिश करी गई। अब जो बाकी समाज है, जैसे अरोरा खत्री समाज, उसमें 17 सीटें हैं, उसमें 13 सीटें भाजपा, 10-10 सीटें अहिर और गुज्जर समाज का इन्फ्लुएंस है, 6 और 7 सीटों पर भाजपा। तो जो नॉन जाट समाज का जहां इन्फ्लुएंस है वहां पर तो भाजपा पिछली बार आगे थी, और इस बार भी 5 लोकसभा सीटें जो जीती है वो इन्हीं बेल्ट्स में जीती है ज्यादातर। तो इसलिए भी, इस लिहाज से भी, जब नॉन जाट समाज बीजेपी के पक्ष में अभी भी है, यानी ओबीसी स्वर्ण इत्यादि, तो जाट समाज को एकदम नाराज नहीं करते हुए 13 लीडर्स को दिया गया। मुझे लगता है आगे जब लिस्ट आएगी तो उसमें भी कुछ नाम जरूर आएंगे ताकि उनको भी साधा जाए। और वहां पे भी कंफ्यूजन है क्योंकि हुडा जी को अनाउंस नहीं किया गया सीएम कैंडिडेट, जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, क्या पता दलित चेहरा एक सीएम कैंडिडेट हो जाते हैं, पूरा का पूरा गेम बदल सकता है। जी शुक्रिया आपका अमिताभ जी इस चर्चा के लिए, बलवंत जी आपका भी, और हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। हरियाणा में चुनावी सरगर्मी उफान पर है, ऐसे में चुनावी माहौल का जायजा लेने पानीपत ग्रामीण सीट पर पहुंचे हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार सिंह, देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त हम हैं पानीपत में, इस ऐतिहासिक भूमि पर 3 युद्ध हुए हैं। बात करें राजनीतिक लड़ाई की तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। इस जिले की 4 सीट में 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के पास है। आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं, आखिर उनके क्या मुद्दे हैं, वो किन विषयों पर इस बार वोट करेंगे, और 8 तारीख को जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो किसकी सरकार बनेगी, आइए यहाँ की जनता से जानते हैं।
गंदगी, पानी, बिजली जैसी दिक्कतें तो हैं ही, साथ में पराली की भी समस्या है। दिल्ली का दरवाजा कहे जाने वाले शहर में ग्रामीण विधानसभा 2009 में बनी। आबादी शहरी भी है और ग्रामीण भी। पार्टी तो जो भी आए, हम तो यही उम्मीद करते हैं वही बेटर करे। जैसे आम आदमी पार्टी है, पंजाब में देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं, तो बहुत अच्छा विकास किया है, शिक्षा फ्री है, कितने अच्छे स्कूल हो गए हमारे कंपैरिजन तो बड़े अच्छे हैं उनके। अच्छा पानी है, पानी की भी और बिजली की भी फ्री सेवा दे रहे हैं, तो वो तो यहाँ भी होनी चाहिए। हमारी सड़क टूटी पड़ी, हमारी खड्डी नहीं लगती जब हम चल रहे हैं, मोटरसाइकिल भी पड़ गई, कई बार चोट लग गई बड़का का। पानीपत ग्रामीण सीट से विधायक महिपाल डांडा हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री हैं। वो पिछले दो बार से जीत रहे हैं, तीसरी बार के लिए भी उनके नाम की घोषणा कर दी गई है। डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है पिछले 10 साल में, और जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को काफ़ी मात्रा में मिली हैं, जिससे जनता संतुष्ट भी है और मंत्री के कामकाज को लेकर भी जनता संतुष्ट है। आज बिना खर्चे बिना पर्ची नौकरी है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा भी किसी ने रुपये तो जोड़ने ही नहीं, बस मेहनत करो, अपने दम पर पढ़ो, पहले क्या पर्ची की नौकरी मिले यार। काम इतना कर दिए हमारे मंत्री जी ने, एक तो खेतों की जो सड़कें हैं वो पक्की, पहले चलते थे गड्ढिया में, वो पक्की कर दी। गांव के जो सरकारी स्कूल है ना, उनका नवीकरण कर दिया। इस सीट पर साल 2019 में जेजेपी दूसरे नंबर पर थी, लेकिन इस बार खास मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही नजर आ रहा है। हमारी इस विधानसभा में अलग अलग तरीके की समस्याएं थी। यहाँ पर गांव में गांव की समस्या अलग थी। जो मूलभूत सुविधाएं जिसको हम लोग बोलते हैं, बिजली पानी जैसी, सड़क, ये कुछ भी तो नहीं था। अब की बार चारों सीट जीतने जा रहे हैं हम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, हुड्डा साहब के नेतृत्व में, और पानीपत ग्रामीण सीट भी अब की बार हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। पानीपत जिले में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। साल 2019 में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिली थी। पानीपत ग्रामीण सीट पर कांग्रेस अभी तक नहीं जीती है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 5वें, तो वहीं 2014 के चुनाव में 4थे नंबर पर रही। विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 3 लाख मतदाता हैं, इनमें से 60% शहरी और 40% ग्रामीण। अगर बात मतदाताओं की करें तो यहाँ पर जाट 15%, दलित 21%, ब्राह्मण 10%, वैश्य 10% और ओबीसी 30% हैं। इस सीट पर सड़क, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के लिए पराली जैसे अहम मुद्दे हैं। कुछ लोग सत्ता परिवर्तन की बात कह रहे हैं, वहीं कुछ लोग सरकार के कामकाज से खुश भी हैं। देखना होगा कि 8 तारीख को राजनीतिक युद्ध को कौन जीतता है। सहयोगी कमलकांत और अशोक गुप्ता के साथ मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए।